नमस्कार, आज इस वीडियो में मैं हिंदी और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में कैसे ऑनलाइन टेस्ट ले ये बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म, ये एक गूगल फॉर्म की सहायता से मैं बताऊँगी। सो सबसे पहले गूगल फॉर्म हम ओपन करते हैं। यहाँ पे पर्सनल के अंदर गो टू गूगल फॉर्म का को आप क्लिक करेंगे, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलेंगे। यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है, उसे आप खोलें। सबसे पहले आप ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भरें, जैसे अनटाइटल्ड फॉर्म है वहाँ आप अगर क्लास टेस्ट ले रहे हैं तो क्लास टेस्ट डाल सकते हैं, या आप कोई टॉपिक भी डाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप यहाँ पर क्या देना लिखना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कोई सब्जेक्ट या हिंदी या संस्कृत या फिर किसी चैप्टर के बारे में भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम सारे टेस्ट के लिए हमें जो बातें चाहिए, जो क्लास या फिर रोल नंबर, क्रमांक, तो हम पहले वो सब डिटेल्स डालते हैं, उसके बाद हम प्रश्न पे जाएंगे। तो सबसे पहले रोल नंबर लेते हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट किए। रोल नंबर चूँकि एक नंबर होता है तो उसको लेकर आप रिक्वायर्ड बटन को क्लिक कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे, ऐड प्लस साइन में ऐड वन क्वेश्चन है, तो उसमें हम बच्चों का नेम, ताकि आपको मूल्यांकन में सुविधा रहे तो नेम डालते हैं, उसे भी रिक्वायर्ड करते हैं ताकि बिना उसके सबमिट ना हो सके। अब हम क्लास और सेक्शन भी डाल देते हैं, ताकि अगर बाद में आपको क्लास के अनुसार शॉर्ट करना पड़े सेक्शन के अनुसार तो आपको आसानी रहे। जैसे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है तो वो हम चुनकर जितने भी सेक्शन हो, अगर यहाँ पर क्लास कक्षा सातवीं के लिए आप बना रहे हैं तो सारे सेक्शन को डाल दें, जैसे 7A, 7B, 7C और 7D। अगर चार सेक्शन की मैं बात करूँ, ये आपकी मर्ज़ी पर, आपकी आवश्यकता के अनुसार आप जितने ऑप्शन हैं वो डाल सकते हैं। इसे भी मैं रिक्वायर्ड करूँगी क्योंकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ये हमारा डिटेल्स किसी भी बच्चे का जो हमें परीक्षा से पहले चाहिए वो तैयार हो गया है। अब हम प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं। आजकल आप मोबाइल के ज़रिए भी वॉइस मैसेज की से भी आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों को स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हैं, या हम गूगल डॉक्स या फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है उसके ज़रिए भी हिंदी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको गूगल डॉक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। ये गूगल डॉक्स है जिसमें अब हिंदी में भी यहाँ ये भी पर्सनल गो टू गूगल डॉक्स में हम क्लिक करेंगे। फिर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और इसमें आप सारे प्रश्नों को एक बार अगर लिख लें तो आपको गूगल फॉर्म में उसे कॉपी और पेस्ट करने में आसानी होगी। तो यहाँ आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं अ लिखा हुआ, अ में आपके पास चार ऑप्शन आते हैं। पहला है हिंदी, जो आप कीपैड की सहायता से आप लिखेंगे और वहाँ आप ऑप्शन आएगा, आपको जो भी शब्द उचित शब्द आप चुनकर एक वाक्य या तैयार कर सकते हैं, जैसे सही उत्तर चुने। उसके बाद है देवनागरी फोनेटिक, जो आपकी कीबोर्ड की तरह ओपन हो जाए, वर्चुअल कीबोर्ड की तरह ओपन होता है, और उसमें से चुनकर आप हिंदी टाइप कर सकते हैं। आप सभी ऑप्शन को देख लें, पर ये आपकी सहूलियत के अनुसार, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसे चुनें। यहाँ पर कुछ शब्द टाइप कर, कुछ अक्षर या वर्ण टाइप कर लें। फिर आपके पास है देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि, जो फिर ये कीबोर्ड
आपके सामने है और आप उससे चुनकर भी शब्दों को लिख सकते हैं। अंतिम में इन तीनों ऑप्शन के बाद जो भी आपको शब्द लिखने हो आप लिख लें। इसके बाद आपके पास आता है ड्राइंग टूल है, जिसमें आप पेन की सहायता से लिख सकते हैं और शब्दों का सही वर्णों का चुनाव कर आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख कर दिखा रही हूँ, एक तो जो हाँ जो हम आज अधिकतर यूज़ करते हैं आजकल अ का ऑप्शन आ गया। उसी तरह आप शब्द लिखेंगे, शब्दों का भी आपके पास सही चुनाव कर आप उसे वाक्य बना सकते हैं। आ ई और ई, तो आप देख रहे हैं कि जो भी आप लिखना चाहें वो आपके कीबोर्ड पे आ जा रहा है। ई और ई, इस तरह से आप किसी लेकर किसी भी सहायता से, ऑडियो से हो या स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि से हो या फोनेटिक से हो या किसी तरह से, आप अपनी सुविधा अनुसार टाइप कर लें, सभी प्रश्नों को तैयार कर लें ताकि एक बार ही आप कॉपी पेस्ट कर सकें। जैसे सही उत्तर चुने, मैंने कॉपी कर लिया और इसे जाकर क्वेश्चन की जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ आप पेस्ट कर दे रहे हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं जो पहले से आप तैयार कर लें। कुछ प्रश्नों के आप अपनी किताब से कुछ प्रश्नों को पहले से तैयार स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आपको यहाँ पर इमेज इंसर्ट करने में, यहाँ पे इमेज का है ऑप्शन, इसे आप चुनेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं कुछ कुछ प्रश्नों के, तो इसे हम यहाँ पर ड्रैग करके डाल देते हैं। कुछ समय लगता है अपलोड होने में। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कैमरा से ले सकते हैं, फ़ोटोज़ से ले सकते हैं। ये आपके पास कुछ प्रश्न आ गए हिंदी के आ गए, जिसमें आपके पास बहुविकल्पिक प्रश्न है जिसमें चार ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं। बेहतर यही होगा कि क ख ग की जगह अगर 1 2 3 4 वाले ऑप्शन रहे तो आपके समय की बचत होगी। ये आप खुद से अपनी लिखावट में भी लिख सकते हैं या ऑडियो की सहायता से भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बटन को क्लिक करते हैं, लेकिन अब हमें सेटिंग्स में जाना है जहाँ पर हम इसे क्विज बनाते हैं। क्विज बनाने से हमारे पास मार्क्स या अंक आएंगे ताकि हम अंक असाइन कर सकें हर एक क्वेश्चन के। या प्रेजेंटेशन में हम सबमिट अप टू 1 रिस्पांस को अनचेक करते हैं ताकि बच्चे, अगर क्लास टेस्ट है तो सिर्फ एक ही रिस्पांस करें, बार बार ना करें। अगर क्लास टेस्ट नहीं है तो वो कर सकते हैं। आंसर की में जाकर हम मार्क्स ले लेते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार 2, 5 या 10 नंबर दें। उसके बाद आप सही प्रश्न उत्तर को चुन लें। यहाँ पर अनुपसर्ग किस शब्द में नहीं है तो ख है सही, अनाज, तो ख ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करें तो ये सही उत्तर हो गया। डन को आप क्लिक करें तो आपका एक प्रश्न तैयार हो गया है। इसी तरह आप एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐड 1 क्वेश्चन करें, फिर आप एक इमेज ले लें, जैसे गद्यांश हो या आपकी कविता हो जिसमें आप कई प्रश्न बना सकते हैं, या आप कहीं से भी फ़ोटो से भी ले सकते हैं या कैमरा से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये अपलोड हो रहा है, कुछ समय लगता है जितना बड़ा प्रश्न। यहाँ पर आपकी एक कविता आ गई। ये फॉन्ट साइज़ को आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे ये इमेज है तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके हम छोटा कर दे सकते हैं। ये आपकी
मर्ज़ी पर है, आपको जो सही लगे जिससे कि वो पढ़ने लायक रहे। तो मैंने इसे थोड़ा छोटा किया और फिर उसी तरह हम सारे ऑप्शन को ऐड करेंगे, मार्क्स डाल देंगे और फिर सही ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। सही, तो ये सारे ऑप्शन डाल दें। ऑप्शन में भी अगर आपके बड़े प्रश्न, बड़े उत्तर हैं तो आप इमेज डाल सकती हैं। आंसर की है, आप सही उत्तर चुनें, नंबर दें, दो नंबर, डन कर दें। इस तरह से आपके दो प्रश्न तैयार हो गए। सर से आपकी इच्छा अनुसार आप 5 या 10 या जितने भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अब हम रिस्पांस पे जाते हैं। यहाँ क्रिएट स्प्रेडशीट है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं आप एक नाम दे दें ताकि आपको आसानी हो। यहाँ क्लास टेस्ट 7 डाल दें, क्रिएट कर दें। बाईं तरफ स्प्रेडशीट का निशान आता है, आप देखिएगा कि एक एक्सेल शीट ओपन हो गया। जैसे ही बच्चे उसे सबमिट करेंगे आपके पास ये इस तरह का एक्सेल शीट जमा आने लगेगा, जहाँ पे उसके सारे डिटेल्स, नाम, समय, दिन और रोल नंबर सभी आते जाएंगे। अब इन सारे ऑप्शन को आप एक्सेल शीट की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, आप सॉर्टिंग कर सकते हैं रोल नंबर के अनुसार, जितने भी एक्सेल शीट वाले काम हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा क्विज़ तैयार हो चुका है। हम एक बार प्रीव्यू बटन देख सकते हैं कि किस तरह का क्विज़ है। आप इसमें और प्रश्न जोड़ दें इसी तरह से। अब बारी आती है कि हम इसे कैसे सेंड करेंगे। प्रश्न तैयार है, सब सेंड करने के लिए बहुत सारे हम ईमेल से कर सकते हैं। लिंक सबसे आसान लगता है, शॉर्ट इन यूआरएल कर कॉपी कर लेंगे, कॉपी टू क्लिकबोर्ड, और फिर हम व्हाट्सएप की तरह से व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पे, और जिस भी ग्रुप में हम देना चाहें वहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे।